2500 से ज्यादा जवानों को जम्मू भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब तैनाती की जाएगी। 5 अगस्त से पहले ये तैनाती होगी, तो 2500 से ज्यादा जवानों की तैनाती जो है वो होगी और बीएसएफ जवानों की ये तैनाती होगी। और ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त से पहले इन्हें तैनात किया जाएगा। हमारे साथ अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। अजय, इसको लेकर क्या जानकारी है? 2500 जवानों की तैनाती की बात कही जा रही है, बीएसएफ के ये जवान होंगे, 5 अगस्त से पहले तैनाती होने की क्या वजह सामने आई है? देखिए, हम आपको बता दें कि इंडिया न्यूज़ ने ही सबसे पहले बताया था कि जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली में और उसके बाद गृह मंत्री ने बैठक की थी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर और लगातार जो आतंकी हमले हुए थे या हो रहे हैं उसको लेकर कंसर्न जताया था, उसी के बाद ये फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, क्योंकि बॉर्डर से जो घुसपैठ हो रही है उसे रोकना बेहद ज़रूरी है। और इसी के लिए जो है अब सूत्र जो बता रहे हैं कि 2500 के करीब जो है बीएसएफ के अतिरिक्त जवानों को जम्मू में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो जम्मू सांबर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वहाँ पर उनको तैनात किया जाएगा ताकि घुसपैठ की जो आशंकाएं लगातार बनी हुई है, क्योंकि लगातार ये चीज़ इनपुट आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करके आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ आकर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उसी को रोकने के लिए ये पुख्ता कदम उठाए गए हैं ताकि अगर कहीं भी मैन पावर की कमी हो तो उसको दूर किया जा सके और बॉर्डर पर लगातार जो खतरा है घुसपैठ का उसे नाकाम किया जाए। दरअसल जो इनपुट है उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी है और पाकिस्तान इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराना चाहता है। 5 अगस्त को अगर आपको याद हो तो 5वां जो है वो वर्षगांठ होगी दफा 370 को हटाने की, जम्मू कश्मीर को जो पुनर्विलय जिसे कहा जा रहा है कि भारत में हुआ था 370 और 35 से हटने के बाद, तो इस चीज़ की आशंका कहीं ना कहीं बनी हुई है कि पाकिस्तान को ये काफ़ी चुपता है कि किस तरीके से ये हुआ, तो उसके मद्देनज़र जो है यहाँ पर आतंकी कोई और घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करें, उस चीज़ के चलते भी हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को 5 अगस्त से पहले चुस्त दुरुस्त करने की जो है वो कवायद शुरू हो गई है, चाहे वो हिंटरलैंड हो या बॉर्डर हो। बिल्कुल, इसके साथ ही अजय, क्योंकि ये ज़रूरी भी है जिस तरह से आतंकी वारदातें हो रही हैं और बॉर्डर से जिस तरह से लगातार घुसपैठ हो रही है, ये बताता है कि कोई बड़ी साजिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया जवानों की यहाँ पर तैनाती जो है वो की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच किस तरह का इनपुट जो है वो सेना को मिला है, क्योंकि 5 अगस्त जिसको लेकर अपने आप में जो बड़े फैसले 2019 में लिया गया, 370 हटाई गई, उसके बाद हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर में तो थोड़ी शांति है लेकिन जम्मू में 2-3 सालों में हालात जो है वो खराब हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार इनपुट आ रहा है, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं, उससे साफ है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया तो होगा ही होगा। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, जो पाकिस्तान की मंशा है जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की, उसको नाकाम किया जाएगा और उसी के लिए तैनाती जो है वो की जा रही है। दरअसल जो इनपुट है उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है यहाँ पर लगभग 150 के करीब आतंकी हैं जो अलग अलग लॉन्च पैड्स पर हैं और उनको घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान है। आप तो पिछले एक महीने में 4 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। बीती रात भी आतंकियों ने कुपवाड़ा में जो है आतंकी हमला किया, जिसमें जो है सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाने के प्रयास किया गया, उसे नाकाम किया गया। और उस तरह की कोशिशें आगे आने वाले दिनों में और भी हो सकती हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक इनपुट है उसके मुताबिक जो मीरपुर का इलाका है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, इसके अलावा अगर आप देखें तो पुंछ में नीलम वैली का जो इलाका है यहाँ पर कई आतंकी ठिकाने हैं जहाँ पर आतंकियों को रखा गया और पाकिस्तानी सेना अब खुलकर सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को यहां घुसपैठ करवाने की फिराक में है। जो एसएससी कमांडोज आज मारा गया है यहां, और अन्य जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना ने तमाम जो शार्प शूटर्स हैं उनको पाकिस्तानी जो कब्जे वाला कश्मीर है वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात किया है ताकि वो जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ को मुमकिन करवा सके। मगर सेना सतर्क है, बीएसएफ सतर्क है और उसी के चलते अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ हो, किरण सेक्टर हो, कुपवाड़ा का या फिर उड़ी हो या फिर मचेल सेक्टर, यहां पर 4 बैक टू बैक घुसपैठ की कोशिशें हुई जिन्हें जो सेना ने जो है नाकाम किया है। बिल्कुल अजय, और जरूरी ये भी है कि जिस तरह से अब तरीके जो हैं वो बदल गए हैं घुसपैठ के, जो हम जिसका जिक्र कल भी कर रहे थे, सुरंग के जरिए सुरंग बनाई जा रही है, विदेशों से लगातार मदद भी मिल रही है और उसके जरिए जो है
वो घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, तो इस पर कैसे सेना काम करेगी और इस पर कैसे एक्शन लेने की जरूरत है? देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती जो है अगर सुरक्षा बलों के सामने है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है अगर आप देखें तो जब भी घुसपैठ के प्रयास होते हैं वहाँ सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है, बीएसएफ होती है, सेना होती है, वहाँ हर तरीके से उसको नाकाम करने के पूर्ण प्रयास जो है वो सुरक्षा बल करते हैं। मगर जमीन के अंदर से जो घुसपैठ होना टनल बनाकर, जिसके लिए पुख्ता सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि खासतौर पर चीन जो है वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है, क्योंकि चीन के पास टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो कई तरह के उनके पास उपकरण होते हैं जिसके जरिए जल्दी जो है वो टनल को बनाया जा सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चीन इसमें मदद दे रहा है पाकिस्तान को, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आसमान के जरिए, ड्रोन के जरिए जो है वो वेपन्स और ड्रग्स तो पाकिस्तान यहाँ जो ड्रॉपिंग करवा रहा था वो चीनी निर्मित ड्रोन है। ऐसे में इस चीज़ की शंका भी है कि क्या चीन जो है ड्रोन, ऐसे ड्रोन भी पाकिस्तान को मुहैया करवा रहा है जिसके जरिए आतंकियों को भी यहाँ पे घुसपैठ करवाई जा सकती है। तो इस चीज़ की जो शंका है वो ज़्यादा है, उसी के चलते सुरक्षा बल जो है वो ज़्यादा सतर्क हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि किसी भी तरीके से ड्रोन और टनल के जरिए अगर घुसपैठ हो रही है तो उसको ट्रेस करना है, जिसके लिए टनल के लिए एंटी टनल ड्राइव जो है वो की जा रही है, जबकि ड्रोन के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो है कई इलाकों में लगा दिए गए हैं। चलिए आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर दिखा देते हैं। जम्मू के रियासी इलाके में तलाशी अभियान जारी है, संदिग्ध गतिविधि को देखने के बाद तलाशी जारी है, दो संदिग्धों को जंगल में घूमते हुए देखा गया है। जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया है, तो दो संदिग्धों को जंगल में घूमते हुए देखा गया था। जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया है, जम्मू के रियासी इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अजय, रियासी इलाके को लेकर क्या जानकारी है जो कहा जा रहा है कि दो संदिग्धों को जंगल में देखा गया है, जिसके बाद मौके पर वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है जम्मू पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से? देखिए बिल्कुल, एक बड़ी चिंता का विषय कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को लिए ये है, और इसीलिए के चलते शायद आम जो लोग हैं उनके अंदर भी इस वक्त खौफ की जो है वो चर्चा है, खौफ है। दरअसल रियासी का डडोआ इलाका पड़ता है पुनी ब्लॉक का, वहाँ पर जो है आपको बता दूं कि आज सुबह तड़के जो है कुछ संदिग्ध देखे गए थे, एक महिला ने इन संदिग्धों को देखा। ये संदिग्ध जो हैं इस इलाके में जो है घूमते पाए गए, और उस महिला से उन्होंने जब उस महिला ने इनको देखा है उसके बाद तुरंत इसकी जो जानकारी है वो लोगों से साझा की, ताकि किसी भी तरीके से जल्द इनको पकड़ा जा सके। और जब पुलिस तक ये बात पहुंची है तुरंत पुलिस भी एक्शन में आई है, जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर जो है एक बड़ा तलाशी अभियान वहां पे शुरू किया है। और आपको बता दूं कि ये घटना खासतौर पे एक महीना पहले जो घटना हुई थी जिसमें आतंकियों ने एक बस को निशाना बनाया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी जो यात्री आए थे वैष्णो देवी और शिवखोड़ी दर्शन के लिए, उसके बाद हो रही है। ऐसे में इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं कि अगर ये आतंकी हैं तो क्या ये किसी और हमले को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि जो जाँच हुई थी रियासी में उसमें ये सामने आया था कि ये जो आतंकी है, ये आतंकी दरअसल एक काफी दिनों से उस इलाके में जो है वो छुपे हुए थे और उसके बाद उन्होंने हमले को अंजाम दिया था। इसीलिए सुरक्षा बल जो है वो ज्यादा सतर्क हो गए हैं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर ये आतंकी हैं तो इनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालना और इनको मार गिराना बेहद जरूरी है, ताकि किसी और हमले को ये अंजाम देने में आतंकी कामयाब ना हो जाएं। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिएगा। एक स्थानीय व्यक्ति की क्या क्या कुछ कहना है इस पर, रिएक्शन क्या सामने आया है और क्या उसने देखा, वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर आगे चर्चा करेंगे। ये जो एरिया पड़ता है, ये पड़ता है पांपला चौकी के अंदर, तो अभी तक पांपला चौकी का एक भी अफसर और ना एक सिपाही इधर पहुंचा है। सुमन साहब के साथ जब बात होती है तो वो विद इन 15 मिनट में वो पहुंच जाते हैं। 15 दिन के बाद इनके पास ये, जैसे वो शिवघोड़ी वाला पहले कांड हुआ था, उनके पास पहले 15 दिन से पहले इंटीमेशन थी उनकी। आज इनको 15-20 दिन हो गए इस चीज की, इनको पहले भी बताया गया है कि इस एरिया में 2-3 बंदे जो है इस इलाके में घूम रहे हुए हैं। तो इन्होंने एक दिन ऑपरेशन चलाया 1-1.5 घंटे का, फिर ये निकल गए, आज फिर पता चला इधर। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कल 2-3 बंदे इधर मर जाते हैं, जो रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या जिम्मेवार कौन होगी? आम लोग होंगे, पब्लिक होगी, या वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी? देखिए, रियासी में जो स्थानीय लोग हैं अजय, वो इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिन्होंने संदिग्धों को देखा, और वो जिक्र इस बात का भी कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर किसी की जान चली जाती है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी?
देखिए बिल्कुल लोगों का कंसर्न यही है कि आखिरकार जिस तरीके से संदिग्ध देखे गए हैं उसके बाद तुरंत जो है वो पुलिस क्यों नहीं पहुंची। लोगों का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो स्थानीय प्रशासन को पुलिस को दी थी मगर उसके बावजूद वहाँ कोई नहीं पहुंचा। मगर आपको बता दूं कि इसके कुछ समय बाद जो है वहाँ पुलिस पहुंची है, CRPF पहुंची है और वहाँ पर जो है एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो रियासी में घटनाएं हुई हैं आतंकी हमले के बाद कुछ संदिग्ध जो है लगातार अलग अलग इलाकों में देखे गए हैं, उस चीज़ को लेकर लोगों का डर है क्योंकि रियासी जो है एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो सकता है क्योंकि इसी इलाके में लगातार शिवखोड़ी और कटरा के बीच जो यात्री ट्रैवल करते हैं वो आते हैं, इसके अलावा सिविलियंस जो है वो भी ट्रैवल करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सिविलियंस को डर बना हुआ है कि कहीं उनको जो है वो निशाना ना बनाया जाए और संदिग्ध देखे जाने के बाद इस तरह का रोष लोगों में जरूर है। मगर पुलिस सेना जो है वो लगातार वहाँ सर्च कर रही है कि हालांकि इस वक्त बारिश वहाँ पे हो रही है सुबह से मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर संदिग्ध यहाँ पे हैं तो इन संदिग्धों को ढूंढा जा सके, इनको मार गिराया जा सके। जिस तरीके से हालात बने हुए हैं जम्मू में लगातार ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें अलग अलग इलाकों में आतंकियों के देखे जाने का सिलसिला जो है हो रहा है और आतंकी जो हैं जंगलों में छुपकर लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास जो हैं वो कर रहे हैं। चलिए अजय बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकली है ममता बनर्जी।